पंजाब दे मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वालों अज बटाला दे नेड़ले पिंड भुल्लर विखे सरकारी स्कूल दे बच्चियां नू कैप्टन स्मार्टफोन स्कीम दे तहत मोबाइल फोन वंडे गए। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता दी रिपोर्ट, लाइव भारत। सतानवे सौ हो गया हूँ, दो फेज़ चल रहा है। साढ़े जिले की गल नहीं, साढ़े जिले च सतानवे सौ हो गया। कैप्टन साहब ने जो वायदा किया सीगा वो वायदा उन्होंने पूरा करके विखा लिया। तो इस होने की लोड़ भी सी, क्योंकि जड़ा नवी बीमारी आई उन्हें बच्चों टीचर घर बहन से मजबूर करता, पर पढ़ाई जारी रखनी सी। सो स्मार्टफोन राही पढ़ाई शुरू हो गई। सो कैप्टन साहब ने बड़े वेले दे समय बड़े वक्त सिर जो उन्होंने अपना वायदा सी पूरा किया, तो बच्चों इस वे लोड़ सी। सो मैं कैप्टन साहब की सोच न कैप्टन साहब बधाई देना, उन्हें बहुत ही चंगा काम किया। सर, कल केजरीवाल ने स्पैशल सैशन दे विच कॉपियां पाड़ियां ने जी नवे कानूनों दी, खेती कानूनों दी, उन्हें किदां देखदे हो जी? पहला नोटिफिकेशन करता, फिर ड्रामा करता, कापियां पाड़तियां ने, रेजुलेशन भी करा दे भी फिर रिजेक्ट करने आ। सर जी गल की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिता इस किसानी अंदोलन लैके केंद्र सरकार को किसी का जल्द तो जल्द हल किया जाए, कि कमेटी तैयार की जाए, पर हाले भी केंद्र सरकार जी कि भी कोई सुनवाई कर दी। देखो केंद्र सरकार नू मैं तो बड़ी बारी कह चुका अपना राज हट छड़ना चाहिए। जो केंद्र ने किसान के हक च पास किया तो कि किसान इन्ने बेवकूफ ने उन्होंने पता ही नहीं भी एक बिल साढ़े हक च होया कि साढ़े उल्टा। सो साडी बदकिस्मती है भी जिहड़े साडे नाल चार मैंबर फैसला कर रहे ने उन्हां च एक भी किसान ने ना, किसानी नूं समझदे ने। ये बिल जिहड़े ने बंबियों बन के आए ने, ते बंबे दी राजनीति बिजनेसमैन दी राजनीति थले बिल बने ने। सो साडी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार नूं पर रीथिंक करे, किसानां दे नाल बह के गल करके कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, नहीं तो पंजाब हरियाणे के नुकसान नाल थोड़ा बहुत मुल्क का भी नुकसान हो रहा। सर किसान जिहड़े ने पूरी सर्दी है ते सर्दी दे विच उत्थे बैठे ने, 20 तो वध मौतां हो गईयां, कल एक खुदकुशी भी होगी, सेंटर गवर्नमेंट नूं चाहिए कि कंपनसेशन इन्हां नूं कोई ना कोई चाहिए। देखो तो उन्हां दी अपनी सोच है, कंपनसेशन तो मैं मंगदा नहीं, पर जिहड़ा साडा हक है किसानी, जिहड़ा साडा हक है सानूं उह दे, छड्डण सानूं कंपनसेशन भावें ना दे।